ये देखिए दोस्तों, ये रेतन है और इसको कैसे मेल्ट किया जाता है हम दिखाएंगे आपको। ये अंगूठी अंगूठी बनाने के लिए चांदी का जो रेतन होता है वही निकला हुआ है। अब इसको मेल्ट किया जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये पाउडर फार्म में है फिलहाल और इसको मेल्ट करने के बाद फिर से यूज किया जा सकता है। इसका हम पहले बेट मिला लेंगे, तो इसका बेट हम कर ले पहले। तो चौदह ग्राम 280 मिली के आसपास है। इसी पर हम इसको मेल्ट करेंगे। तो हम थोड़ा सा इस पे बोरेक्स पाउडर डाल देंगे और उसके बाद इसको से हम तोप देंगे। बोरेक्स पाउडर हम अच्छी तरह से डालेंगे कि बढ़िया से जो है चपन जाए। अपना हाई टेम्परेचर हो चुका है और मेल्टिंग होने के लिए तैयार है। तो हल्का सुधार दिए हैं कि आँच जो है भरपूर मात्रा में अंदर जा सके। आप देख सकते हैं हमारा रेतन जो पाउडर फार्म में था वो अब मेल्ट होकर एक हो गया है। रेतन गलाने के लिए दोस्तों एक चीज बहुत जरूरी होता है, उसमें जो बोरिक पाउडर होता है बोरेक्स, मेल्टिंग के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेतन था उसके अंदर मेल्ट होने के बाद एक गल गया था।
तो मेल्ट कब ये होता है आपको पता होना चाहिए, जब ये ढका ढका होता रहता, ये जब ढका रहता था तो हाई टेम्परेचर से मेल्ट होता है। कब होता है, पहले ढक कर पहले इसको आँच देंगे या हीट हो जाएगा, उड़ने लायक नहीं रहेगा, तब इसको हल्का सा फोपर कर दीजिए। जब इसको आप फोपर कर देंगे तो इसके अंदर जो आँच जाता है आग, वो बहुत ही अंदर से हीट कर देता है जिससे मेल्ट हो जाता है। अब इसको हम तौलेंगे अब हम कि हमारा आप कितना रेतन के बाद। रेतन में दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि डस्ट भी रहता है, ठीक, तो थोड़ा कम होता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हम बता रहे भी आपको, तो देखिए हमारा काटा है, अभी इसको मेल्ट गोल्ड करना है। 12 ग्राम